म्यूरल। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम झारखंड में हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से चली थी, आज 32वां दिन है और ये कारवां मुंबई तक जाएगा। जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे जननायक जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन 5 मुद्दों को लेके इस देश की जनता के साथ, गरीब आवाम के साथ, तमाम उन लोगों की आवाज बनके और इस देश में न्याय के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं फिर आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में आप लोग भी भागीदार बनिए। अभी हम लोग इस ऑटो रिक्शे में है और कहीं में तमाम ऐसे लोग हैं जो आज देश में नफरत की इस राजनीति से कहीं ना कहीं प्रभावित है। देश की ये सरकार पूरी तरीके से, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दों को इकरार करके और सिर्फ नाम के नाम पे इस देश में अपने जनता के लिए वोट लेना चाहती है और वोट लेके सिर्फ और सिर्फ निजीकरण करके पूंजीपतियों के हाथों में देश देना चाहती है। मैं कई ऐसे राज्यों से गुजरते हुए आया जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो झारखंड हम कहते हैं जल और जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं लगातार आदिवासी, लेकिन उन्हीं और जंगल और जल को इन्होंने बचाने का नहीं काम किया, बेचने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग इस यात्रा के जरिए पूरे भारत की उस तस्वीर को दिखाना चाहते हैं कि हमारे बगल में पहाड़ है और पहाड़ का ये दृश्य और तमाम ये हमारे भाई लोग जो सारथी हैं मणिपुर से, ये सभी लोग इस यात्रा में शरीक हैं और ये हमारे पाजी जी का झंडा है जो हमेशा लहराता रहता है और ये पहचान है कि इस देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए इस लड़ाई में हम सब सहभागी हैं। आने वाले समय में इस देश की राजनीति में एक नया उद्गम होगा और भारतीय जनता पार्टी के इस देश से हम हटाने का काम करेंगे और देश में एक नई लोकतांत्रिक सरकार लाने का काम करेंगे। आप सभी लोग जरूर इस यात्रा का समर्थन करिए। अब हमारी यात्रा आगे औरंगाबाद बिहार में विशाल जनसभा है, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश होते हुए मुंबई जाएंगे। आप सभी लोग जरूर जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। जय राहुल गांधी, राहुल गांधी थे। श्रवण पांडे, राहुल गांधी देश में चल गई है की आंधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। गढ़वा से जा रहे पड़वा मोड़, वहाँ से हम औरंगाबाद के लिए गाड़ी मिलेगी। झारखंड है, हाँ कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस कोई छोटी मोटी चीज है क्या? नहीं नहीं नहीं, और कांग्रेस पे साहब एक चीज और बता दे रहा हूँ मैं भाई साहब, हाँ उसको भी जोड़ लेना आप। कांग्रेस क्या है, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए और जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। वाह वाह वाह, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो ली। जय हो, अरे देश में चल गई है की आंधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अनिल सिंह जी अंबिकापुर में रहते हैं, यहाँ इनका राजपुर में खेती होती है। तो हमारे जो साथी थे पूरी बस और दूसरे वाले, हम तो पीछे रह गए थे, यही नाइट स्टे इनके होम पे किया है और सवेरे सबको इन्होंने नाश्ता वगैरह करवाया है और दो बहुत ही अच्छे नारे इन्होंने दिए हैं। देश में चल गई ये की आंधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और दूसरा वाला वो बहुत पुराना नारा है, चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, दलालों का बराबर। तो ये दो नारे यहाँ से निकले हैं छत्तीसगढ़ की धरती से, तो ये मुंबई तक चलने चाहिए। और देखिए प्राकृतिक, बिल्कुल आई एग्री। देश में चल गई है की आंधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश में चल गई है की आंधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। औरंगाबाद जहाँ कल से मेरी यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट है, अंबिकापुर से राजपुर गढ़वा होते हुए, और देखिए कितने शानदार पहाड़ हैं।